गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मौसम हो रहा है बड़ा अच्छा। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, मौसम बड़ा हो रहा है बहुत अच्छा। और हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग मींस मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं घूमने के लिए। प्लस एक काम भी है बैंक में, तो हम जा रहे हैं सीपी में, बैंक में जा रहे हैं। और वहाँ से काम करके फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने। मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कहाँ जा रहे हैं मुझे घुमाने के लिए। तो अभी वो CNG भरवा रहे हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। तो गाइस, मौसम अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि आज बारिश हो जाए। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, पर पता नहीं होगी भी नहीं होगी। मेरे को बारिश सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो चलते हैं गाइस, हो गया है, अभी अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ आप लोगों। अच्छा ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, पहले हाय कर दो सबको। हाय गाइस। तो बेबी हम कहाँ जा रहे हैं बता दो। हम जा रहे हैं अभी सीपी काम से, उसके बाद देखते हैं कहाँ बनता है सीन जाने का। चलो तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम सीपी और यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी और हमें इसलिए से पार्किंग मिल गई थी यहाँ पे, क्योंकि ना शाम के वक्त हम जाते हैं तो पार्किंग थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाती है सीपी में ना, शाम को आते हैं सब लोग घूमने यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच गए और अब हम निकल रहे हैं अपने काम के लिए। आउटकट्स में हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पूरा सीपी खाली था। थोड़े बहुत ही लोग थे यहाँ पे और मैं देख रही थी अगर मुझे कुछ सही लगा तो मैं लूँगी, बट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। और सारी शॉप्स खुली भी नहीं थी, कुछ कुछ बंद थी, सैटरडे था उस दिन। और फिर हम पहुँचे कुछ खाने, क्योंकि भूख लगी थी। मैंने नाश्ता नहीं करा था, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया हुआ था बट उनको भी भूख लग गई थी क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तो हमने यहाँ पे मंगाए थे चिली पटैटो, और इस सच में यहाँ पे जो हमने मंगाया था चिली पटैटो, छोले भटूरे और चाप मंगाई थी, तो उसमें से छोले भटूरे सही थे और चाप अच्छी थी, चिली पटैटो इतने अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे हो गया था हमारा काम बैंक वाला जो हमें करना था। और उसके बाद हम देख रहे थे कि कुछ घूमने का सीपी में, बट सब कुछ ओपन नहीं था तो हमने सोचा कहीं और चलते हैं। तो हम अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी। तो फाइनली पहुँच गए हैं हम पार्किंग में और अब हम निकल रहे हैं गुड़गांव की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपने बाल सही कर रही थी क्योंकि इतनी गर्मी थी ना बाहर, मैं क्या बताऊँ, मैंने इसलिए जूड़ा बना लिया था। मेरे पति ने धोखा दे दिया मुझे और मेरा पति मुझे कहीं नहीं लेके जा रहा। तो अब हम बस कुछ घर का सामान लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे घूमने। बस सीपी घुमाया मुझे, अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, कुछ काम आ गया इस वजह से हम जा रहे हैं, कुछ काम से, अर्जेंट काम से। तो निकल रहे हैं सीपी से, चलो चलते हैं जो काम हमें करना है, जिसके लिए हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो गाइस, आज मुझे धोखा मिल गया, मुझे कोई ले जा रहा था घुमाने और हम अब घर वापस जा रहे हैं। तो आपको मैं, जिसने मेरे को धोखा दिया मैं उसकी शक्ल दिखाती हूँ। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कब दिया धोखा आपको? आपने बोला था कि मैं कहीं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा सीपी चलने के बाद। और लेके जाता रहा हूं। कहां पे? घर को। घर थोड़ा जाना था। हाँ, तो बीच में एक और जगह जा रहे हैं ना, एम्बियंस जा रहे हैं, एम्बियंस। ठीक है, तो फिर आज वो भी दिला देना मुझे, मेरी बैंगल सावन वाली। ठीक है, देखते हैं, दिला देना। पता अच्छा होता है, पति के लिए बेनिफिट होता है अगर सावन में पति चूड़े दिलाता है तो उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। किस चीज का इंक्रीमेंट हो जाता है? सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। आप आज मेरे को बैंगल्स बनाओगे, कल ही देखना आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, इतनी सुपर फास्ट होता है। तो फिर तो चूड़ी वालों का तो बहुत इंक्रीमेंट होता है, तो अपने घर ले जाते होंगे चूड़ियां भर भर के। हाँ, बोल सकते हैं। गाइस, अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हम एम्बियंस जा रहे हैं, देखते हैं उसमें भी धोखा मिलेगा या हम सच में एम्बियंस जाएंगे। तो मिलते हैं एम्बियंस पहुंचने के बाद। आपकी शक्ल दिख रही है धोखे वाली, अब बताओ क्यों दिया मुझे धोखा? कौन सा धोखा दे दिया आप? तो पीछे
गाइस धोखा तो मिला नहीं, पोस्ट तो गए हैं हम एम्बियंस मॉल। यहाँ थोड़ा घूम लेते हैं और जो काम है वो कर लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। अभी तो ट्रैफिक ही इतना हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हो रहा है इतना ट्रैफिक। वैसे होता तो नहीं है इतना ट्रैफिक। एक्चुअली कावड़ वाले भी आ रहे हैं ना, देखो कावड़ वाले आ रहे हैं गाइस, इस वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक है। बट इनका अलग रास्ता बनाया हुआ है ट्रैफिक ताकि ना हो ज्यादा। आज सब लोग घूमने निकले हैं, हम निकले हैं तो सब लोग घूमने निकले हैं। तो गाइस एम्बियंस मॉल तो पहुंच गए हैं हम, पर जो पार्किंग की लाइन थी वो इतनी लंबी थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप दूसरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम दूसरी पार्किंग में आए जहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं ना, उस वाली पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करी। पर वहाँ से ना बहुत दूर पड़ता है एम्बियंस मॉल ना, मतलब दूर इन द सेंस कि पैदल चल के आओ फिर लिफ्ट लो तो थोड़ा दिक्कत रहती है। और फिर हमें ये था कि हमें सामान लेना था स्मार्ट बाज़ार से, तो हम कैसे लेके जाएंगे, बट हो गया एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे थे, पहाड़ी सॉन्ग बज रहा था कोई यहाँ पे एम्बियंस मॉल में जैसे कि आप सुन पा रहे हो यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा घूमा। एक्चुअली ना मुझे यहाँ से कुछ लेना था अपने लिए, पहले मैं फुटवेयर सोच रही थी कुछ लेने का, बट मुझे बाटा शोरूम मिला ही नहीं, यहाँ पे स्टोर मिला ही नहीं। फिर मैं देख रही थी कि और क्या ले सकते हैं, कपड़े लेने का मन था क्योंकि गर्ल्स तो आपको पता ही है कि कपड़े लेने का शौकीन होती है। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं लेती, फुटवेयर की नीड थी, फुटवेयर भी ढंग की नहीं मिली तो मैंने नहीं लिया। वैसे सेल चल रही है ना वहाँ पे सब जगह, स्टोर्स में आप चेक करोगे ना कपड़ों की शूज़ की, सब जगह सेल चल रही है यहाँ पे। तो कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं है ना, और मतलब बहुत कॉस्टली कॉस्टली है, बट यहाँ पे ना अगर आप लोगे तो कॉस्टली मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम पहुँचे टॉप फ्लोर पे, हम देख रहे थे कुछ खाने पीने का। वैसे हमें भूख इतनी थी नहीं, फिर हमने सोचा कि अभी तो पेट भरा हुआ है रहने देते हैं। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, ये वाला थीम लगा हुआ है इन्होंने, रेन वाला लगाया हुआ है थीम, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना। और उसके बाद हम गए स्मार्ट बाज़ार, हमें यहाँ से ग्रोसरीज़ वगैरह लेनी थी तो हमने सोचा कि ले लेते हैं, ये काम था हमारा इम्पोर्टेंट क्योंकि राशन वगैरह थोड़ा ख़त्म हो रखा था तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए सनस्क्रीन देख रही थी क्योंकि मेरी सनस्क्रीन ख़त्म होने वाली थी। और उसके बाद यहाँ से हम कुछ परचेज़ कर रहे थे, और ये आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि जो हमने यहाँ से परचेज़ किया था, एक तो सामान जो मैंने लिया था। और यहाँ पे मैं देखो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरा फ़ोटो शूट करो, यहाँ पे वीडियो लो मेरी। और यहाँ होगी हमारी फाइनली स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग, और अब हम करा रहे हैं अपनी बिलिंग वगैरह। और बस यही सामान था थोड़ा बहुत जो लेना था, बट इम्पॉर्टेंट था ये, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए जहाँ मुझे जाना था। बट आने वाले टाइम में मैं जाऊँगी और वीडियो भी शेयर करूँगी जहाँ मुझे जाना था। और यहाँ पे हम ये छाता देख रहे थे मेरे लिए, बट इतने ख़ास नहीं थे। और फाइनली हमारी हो गई है शॉपिंग डन और हम निकल रहे हैं घर की ओर। इंतजार है बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।